हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु सोनू आपण मानको स्वागत करुछि मल्टी इनफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को। तो फ्रेंड्स चलंतु डेरी न करी नजर पकाइबा आजर खबर उपर। खबर नंबर 1 कोरोना मुकाबला त्रिस्तरीय रणनीति देशे समस्त जिला को 3 भाग में विभक्त कले सरकार। हॉटस्पॉट नॉन हॉटस्पॉट और ग्रीन जोन जिला भाव चिन्हट। भारत में होना गप्टी संक्रमण एने सूचना देखते केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय। भारत में गप्टी संक्रमण होता बेले केवल हॉटस्पॉट अंचल स्थानीय संक्रमण होता कही स्वास्थ्य मंत्रालय। देश में द्वितीय तालाबंदर प्रथम दिन में एने सूचना देने केन्द्र सरकार। एपरिक कंटेनमेंट परामर्श को पालन करने सामाजिक दूरता कड़ाकड़ी भाव पालन कर गुरुत्व देखते सरकार। यहसह अवरोध अंचल स्वतंत्र रणनीति आनी केन्द्र सरकार। 3 विभाग में देशर समस्त जिला को विभाग कर प्रथम विभाग हॉटस्पॉट जिला, द्वितीय विभाग अण हॉटस्पॉट जिला और ग्रीन जिला। एने सूचना देखते केन्द्र स्वास्थ्य विभाग जुग्म सचिव लव अग्रवाल। सबुठ बड़ कथा है कि ए170 हॉटस्पॉट जिला और 207 अण हॉटस्पॉट जिला को चिन्हट कर समस्त राज्यर मुख्य शासन सचिव, पुलिस डीजी, जिलापाल, एसपी और म्युनिसिपल कमिशनर मुख्यमंत्री कार्यालय सह वीडियो कॉन्फ्रेंस रे कैबिनेट सचिव आलोचना परे अवरोध अंचल को नहीं किसी यहीपर गाइडलाइन जारी कर। खबर नंबर 2 हिंसा को दृष्टि रखी महिला और शिशु विकास विभाग पक्ष जारी है व्हाट्सएप नंबर। कोरोना मुकाबला लॉकडाउन जारी रही बेले यही समय महिला घर हिंसा बढ़िवार आशंका कर तेणु घर हिंसा को दृष्टि रखी राज्य सरकार को महिला और शिशु विकास विभाग पक्ष एक व्हाट्सएप नंबर जारी होई जहां घर हिंसार सम्मुखीन होता महिला यही व्हाट्सएप नंबर 725006039 अभियोग करें। महिला और शिशु विकास विभाग तालाबंद समय घर हिंसा बढ़िवार आशंका करुथरो एपरी उपाय अवलंबन कर। खबर नंबर 3 चाषी खुशी खबर चलित बर्ष स्वाभाविक हेब वर्षा जून 1 रे केरल छुईब मौसुमी। भारतीय पाणीपाग विभाग बुधवार चलित बर्षर प्रथम दक्षिण पश्चिम मौसुमी को नहीं पूर्वानुमान जारी कर चलित बर्ष वर्षा झमाझम रहिबो 100% वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। अर्थात चलित बर्ष मौसुमी वर्षा स्वाभाविक रहिबो। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सचिव माधवन राजीवन कहते जे मौसुमी समय 2020 मौसुमी वर्षार लंबा अवधि हार 100% रहिबार आशंका कर। खबर नंबर 4 गोदाम चाउल गहम खत किंतु लोके भुकिला जरूरकालीन राशन कार्ड देवा दाबी कले राहुल। कांग्रेस रे पूर्वतन सभापति राहुल गांधी बुधवार केन्द्र सरकार को हमला करते गोदाम शस्य सड़ुची हजार हजार लोक खाद्य गंडाई भकिला पेटर अपेक्षा करुंची। संकट समय यह मानवीय अटे। राहुल गांधी सरकार को अपील कर यही संकटर घड़ी में जरूरकालीन राशन कार्ड जारी कराऊ जो मैंने लॉकडाउन रे दी ओली खाइबा को संघर्ष करुंची। लक्षाधिक देशवासी बिना राशन कार्ड रे विदेशर लाभ उठाई पार ना चाउल गहम व गोदाम सड़ुवा बेले शताधिक लोक भोकिला पेट खाद्य गंडे अपेक्षा करश्चित भाव अमानवीय। खबर नंबर 3 व्हाट्सएप पाठ पढ़े 2 रु 10 श्रेणी छात्र छात्री कोरोना शिक्षा संजोग योजना। खोर्धार सबु जिले में आरंभ है शिक्षा संजोग योजना। लॉकडाउन समय व्हाट्सएप पाठ पढ़े छात्र छात्री 2 रु 10 श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री मानक व्हाट्सएप पाठ पढ़ा। एने खोर्धा जिला शिक्षा अधिकारी सबु ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं प्रधान शिक्षक को चिठी लिखि अवगत करते सबु श्रेणी लगी व्हाट्सएप ग्रुप गठन करने को निर्देश देते प्रति विषय भित्ते तैयारी हेब व्हाट्सएप ग्रुप। चलित मास 19 तारिख रु 20 जून जाए 9 पर्यायर व्हाट्सएप ग्रुप जरिया पाठ पढ़ा। एथिला 18 जणिया मेंटर कमिटी गठन करा दायित्व हो विभिन्न विषय गाइड करेंगे। खोर्धार 10 ब्लॉक और बीएमसी अंचल सब स्कूल रे आरंभ हो यह शिक्षा कार्यक्रम। नंबर 6 माँ भूमिका रे नर्स सारा देश में मिलूँ सलाम महामारी भूताणु भय कहकबा ना कितु डाक्तर और नर्स मैंने एभली स्थित असल योद्धा साजिंट निज जीवन को विपद पक रोगी सेवे आदुहेला करना। एभली स्थित देशर केतक नर्स आहरी पादे आगक बढ़ी उत्सर्गीकृत सेवार शीर्ष निदर्शन प्रतिपादन करूचना अनुसार छत्तीसगढ़ करवा जिलार कटघरा संप्रति करोनार हटस्पट हो सारी बहु संख्यार करोना पॉजिटिव मामलें सेठे रही संपुक्त अंचल एक पर करोना आक्रांत हो जनक जड़े करोनार संक्रमित होगापर से मध्य 2 महिला रही एपरिक जड़े महिला शिशुटे थे से चाहिए निज संतान को क्षीर दे पार ना पुणि सपरिवार करोना आक्रांत जो पिलार जत्न नेवाक नहीं। एभली जटिल परिस्थिति पिलाटीर माँ सारी मेडिकल नर्स मैंने
ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନର୍ସମାନେ ଶିଶୁଟି ପାଇଁ ମାଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସହ କ୍ଷୀରପାନ କରାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଶହଶହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି। ଖବର ନମ୍ବର 7, 94 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ ବାବଦକୁ 1490 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 94 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବାତିଲ କରି 1490 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ରେଳବାଇ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ଏପ୍ରିଲ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବୁକିଂ ହୋଇଥିବା 55 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବାବଦକୁ 830 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗୁ ହେବାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ତା'ର ଯାତ୍ରୀ ସେବା ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଏପ୍ରିଲ 15ରୁ ମେ 3 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବୁକିଂ ହୋଇଥିବା 39 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବାବଦକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 660 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବ। We'll be right back।